In a horrific incident, a 27-year-old woman was allegedly gang-raped by three armed men in front of her husband in Uttar Pradesh's Badaun district. Expressing her ordeal, the victim said she was dragged and gang-raped repeatedly when she was returning from a doctor's clinic. दवाई लेकर के आई इन लोगों ने हाथ दिया हाथ देकर मेरे पति ने हाथ गाड़ी रोक कर ना फटकी गाड़ी फिर मेरे पति को पेड़ से बांध के डाल दिया मुझे बाहर पकड़ के और उसमें ले गए बाहर खेत में इन लोगों ने पारिवारिक से केस किया उसके अंदर ने सकटू ने और बालस्टर ने जब मैं चिल्लाई तब वो आदमी इकट्ठे हुए तब ये गाँव में भाग गए तीनों लोग मौके पर पुलिस आई हाँ पुलिस आई कुछ देर के बाद आई थी और लोगों ने खोले थे मुँह में कपड़ा ठूंस दिया तीन फीस बनाए कपड़े की आपके पति को बंधक बना के डाल दिया और आपके साथ दुष्कर्म किया तमंचा कर इन लोगों मेरे पति के ऊपर तमंचा रख दिया इन लोगों ने Seeking justice, the victim's husband said that he wants to see the accused behind the bars and stringent punishment should be awarded to them. मैं अपनी पत्नी के लिए सहसमान दवा दिलवाए ले गया डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता सहसमान वहाँ से जब दवा दिलवा के आया था तो रास्ते में ये तीनों लोग मुझे खड़े दिखाई दिए खड़े दिखाने पे उन्होंने हाथ लगाया मेरी बाइक रोकी थी मेरी गर्दन में अंगूछा पड़ा हुआ था अंगूछा पकड़ के मुझे खींचते हुए ले गए मुझे पेड़ से बाहर डाल दिया दस कदम दूरी पर मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रेप किया गया था तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में चाहता हूँ यानी कि गांव का मौजूद प्रधान होते हुए भी वो इस काम के लिए कर रहा है तो जनता किस पर निर्भर करेगी मैं न्याय चाहता हूँ जो बलात्कारी है उनमें गांव का प्रधान भी शामिल है मौजूद प्रधान हाँ गांव का मौजूद क्या नाम है उसको उपेंद्र द विक्टिम हैज बीन सेंट फॉर अ मेडिकल टेस्ट एंड अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द थ्री अक्यूज्ड इन दिस रिगार्ड